हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अपने टॉपिक वेल्डिंग टेक्नोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिया है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग लेक्चर नंबर 17 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोगों ने लेक्चर नंबर 16 तक जो वेल्डिंग टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया था, वो हमारी चल रही थी आर्क वेल्डिंग टेक्नोलॉजी। अब उसी आर्क वेल्डिंग में आज हमारी कुछ रिमेन वेल्डिंग है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग थर्मिट वेल्डिंग डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट आर्क वेल्डिंग हमारी है, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। वो हमारी है FCAW। देखिएगा, आज का जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा उसका नाम है फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग। चलिए समझते हैं ये क्या होता है। आज की वेल्डिंग हमारी होगी FCAW। देखिए, इसका मतलब हमारा है, पूरा नाम होता है फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग। समझिएगा, अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, आर्क वेल्डिंग में जैसे हम लोगों ने हाई स्पीड अगर मेटल डिपोजिशन लेना था तो हम लोगों ने MIG वेल्डिंग पढ़ा था, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। अगर वहीं पे हमें मेटल डिपोजिशन रेट और बढ़ाना था तो वहां पर हमने कौन सी वेल्डिंग पढ़ा था, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो इस तरीके से हमने आर्क वेल्डिंग के कई सारी कैटेगरी को पढ़ा था। वहां पर हम लोगों ने, कहीं पे हम कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का उपयोग करते थे, कहीं पे नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का उपयोग करते थे। जहां पर नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता था वहां गैस की शील्डिंग करते थे, और जहां कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता था वहां पर फ्लक्स की शील्डिंग करते थे। सिमिलर पिछले लेक्चर में हमने आपको एक वेल्डिंग बताई थी फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड के बारे में, है ना। तो उसमें हमने बताया था कि फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड के साथ साथ इनर्ट गैस का भी उपयोग हम कर रहे थे। तो इस तरीके से हमारी वेल्डिंग थी वो। अब हम क्या करेंगे, उससे और मॉडिफाइड, देखिए जो हमारी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग है, ऐसे देखिएगा MIG, अगर हम बात करें MIG की, ये हमारी थी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। देखिए स्टूडेंट, इसमें होता क्या था, हम मेटल को इनर्ट कराते थे एज ए कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, और वहां पर गैस की शील्डिंग प्रोवाइड कराते थे। तो इस तरीके से मेटल डिपोजिशन रेट हमारा क्या होता था, हाई होता था। दूसरा एक वेल्डिंग हम लोग पढ़ते थे, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। ये दोनों वेल्डिंग का उपयोग हम किसके लिए करते थे, थिक प्लेट के लिए। अगर हमारा मोटा वर्क पीस हो तो उसको जोड़ने के लिए दोनों वेल्डिंग का उपयोग करते थे। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में हमारा क्या होता था, आर्क हमारी डूबी होती थी, किससे, इलेक्ट्रोड से डूबी होती थी, जिसे हम बोलते थे ग्रेनुलर फ्लक्स। वहाँ पर भी मेटल डिपोजिशन रेट बहुत हाई होता था। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों वेल्डिंग के अलावा इसी से मिलता जुलता, मतलब इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन हमने देखा, और उसी का नाम आया फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग। तो हम देखते हैं कि ऐसा क्या उसमें टेक्नोलॉजी आई जो इन दोनों का मॉडिफाइड वर्जन आया, जिस वजह से हम इन दोनों को ना यूज करके सबसे ज़्यादा इसका उपयोग करने लगे। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि FCAW क्या होता है। तो देखिए, हमारा इसमें क्या होता है, एक वर्कपीस होता है, देखिए इस तरीके से, ऐसा सपोज करिए, ऐसा हमारे पास एक वर्कपीस होता है। अब इस वर्कपीस के, देखिए इस वर्कपीस को हमें वेल्ड करना था, तो मान लीजिए हम ऐसे वेल्डिंग करते हुए जा रहे थे,
ऐसे वेल्डिंग हम करते हुए जा रहे थे। अगर हम इस तरीके की वेल्डिंग कर रहे थे तो सपोज करिए इस वर्क पीस के ऊपर जब वेल्डिंग करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे तो यहाँ पर एक स्लैग का फॉर्मेशन होता चला जा रहा था। इस तरीके से ये स्लैग फॉर्मेशन बनता चला जा रहा था वर्क पीस के ऊपर, और ये जो हमारा था, ये हमारा जो बन रहा था, ये क्या बन रहा था, वेल्ड बीड बनती चली जा रही थी। इस तरीके से ये हमारा वेल्ड बीड बनता चला जा रहा था। देखें अब क्या होगा, इसे हम बोलते थे स्लैग, इसे हम बोलते थे वेल्ड मेटल, वेल्ड मेटल। अब ये क्या होगा, ये बन रहा है मतलब वेल्डिंग इस डायरेक्शन में हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या करते थे, एक इलेक्ट्रोड लगाते थे। इस तरीके से हम एक इलेक्ट्रोड का उपयोग करते थे और इस तरीके से इलेक्ट्रोड को हम कोटिंग प्रोवाइड कराते थे। देखिए ऐसे हम इलेक्ट्रोड की कोटिंग प्रोवाइड कराते थे। अब यहाँ पर जब वेल्डिंग होगी तो इसका कुछ इस तरीके से यहाँ पे आर्क जनरेट होता था। जब ये आर्क जनरेट होगी, देखिए ऐसी आर्क हमारी जनरेट होगी, इसमें इस तरीके से आर्क हमारी जनरेट होगी और ये चारों तरफ ऐसे क्या होगी, स्प्रेड करेगी। ये आर्क तब जनरेट होगी जब हम इस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देंगे किससे, पावर सप्लाई से। इस तरीके से इलेक्ट्रोड को और वर्कपीस को दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया एक पावर सप्लाई से। यहाँ पर ये हमने ले लिया पावर सप्लाई, इस तरीके से इसको हमने कनेक्ट कर दिया। अब ये जो पावर सप्लाई हमने लिया, इसमें एसी या डीसी पावर सप्लाई कोई भी लेते हैं, है ना, एसी या डीसी पावर सप्लाई, लेकिन अभी आपको बताएंगे कि मोर प्रोबेबल सबसे ज़्यादा डीसी पावर सप्लाई का उपयोग हम करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। पहले आप देखिए, अब ये हमारा क्या था, अनवेल्डेड सिस्टम वर्क पीस था और ये हमारा वेल्डेड वर्क पीस था। आप इसको देखेंगे तो ये कुछ इस डायरेक्शन में वेल्डिंग हमारी होती चली जा रही है, ये हमारी कहलाएगी वेल्डिंग डायरेक्शन या वेल्डिंग स्पीड, कुछ भी आप कह लीजिए। अब ये जो इलेक्ट्रोड हमने यूज किया था, इस इलेक्ट्रोड पे इस तरीके से भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए सिंपल सा अदर वेल्डिंग में हम क्या करते थे, इलेक्ट्रोड को बाहर रखते थे और वायर को अंदर रखते थे। अदर वेल्डिंग में हम लोग इलेक्ट्रोड को बाहर रखते थे, मतलब फ्लक्स को बाहर रखते थे और वायर जो ये हमारा दिखाई दे रहा है, ये जो हमारा वायर दिखाई दे रहा है, इसको हम अंदर रखते थे। लेकिन इस वेल्डिंग टेक्नोलॉजी में ये जो हमारा दिखाई दे रहा है, ये हमारा होता है फ्लक्स, और ये जो हमारा दिखाई दे रहा है, ये हमारा होता है इलेक्ट्रोड कवर प्लेट, है ना, इलेक्ट्रोड कवर प्लेट। अब समझिए, इलेक्ट्रोड कवर प्लेट ये बाहरी वाली हिस्सा होता है, अंदर हमारा क्या भरा होता है, फ्लक्स भरा होता है। जैसे अदर वेल्डिंग टेक्नोलॉजी में हम पढ़ते थे कि बाहर हमारा फ्लक्स कोटेड होता था और अंदर हमारा इलेक्ट्रोड होता था, तो ये अदर सबका अपोजिट होता है। इसमें एक वायर का हॉलो सेक्शन या एक प्लेट की हॉलो सेक्शन, जैसे सपोज करिए कि ये हमारा क्या हो जाए, इस तरीके से एक हॉलो सेक्शन ऐसे बना दिया जाए, देखिए सपोज करिए इस तरीके से ऐसा इसका हॉलो सेक्शन बना दिया जाए। इसके अंदर देखिए ये जो हमने इसको फिल किया है, ये जो हमने इसको फिल किया है, इस तरीके से इलेक्ट्रोड हमारा क्या होता है, ऐसे भर दिया जाता है। तो एक बाहर से हमारी क्या होती है, प्लेट होती है। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। देखिए अब इसमें क्या होगा कि जब हमने पावर सप्लाई ऑन कर दिया तो यहाँ पर आर्क बनेगी,
तो ये बाहरी मेटल मेल्ट होगा और इलेक्ट्रोड भी मेल्ट होगा। इलेक्ट्रोड मेल्ट होकर यहाँ पर स्लैग का फॉर्मेशन करेगा और ये बाहर वाली कवर प्लेट मेल्ट होकर यहाँ पर ये वेल्ड बीड बनाती हुई चली जाएगी। तो इस तरीके से वेल्डिंग हमारी कंप्लीट होगी। लेकिन इस वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, गैस का भी उपयोग करते हैं, शील्डिंग गैस का भी उपयोग करते हैं। जैसे कुछ वेल्डिंग में हम शील्डिंग गैस का उपयोग नहीं करते थे, अगर हम फ्लक्स का उपयोग करते थे तो वहाँ पर हम शील्डिंग गैस का उपयोग नहीं करते थे। लेकिन इस वेल्डिंग में इसका यही एक बड़ा एडवांटेज होता है कि यहाँ पर हम एक शील्डिंग गैस का भी उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से ऐसा एक गैस कवर हम बना लेते हैं, ऐसा इस तरीके से ये ऐसा एक गैस कवर बनाती है। और इस गैस चैम्बर को यहाँ पे देखिएगा, ये गैस चैम्बर हो गया। यहाँ से इस चैम्बर को ऐसे पाइप के थ्रू, इस तरीके से एक पाइप के थ्रू ऐसे बाहर ले जाते हैं, इस तरफ ले आएंगे और किधर भी ले जाएंगे, मतलब मेन हमें सप्लाई प्रोवाइड कराने से है। और यहाँ पर इस तरीके से हम क्या कर देंगे, एक सिलेंडर के माध्यम से गैस को प्रोवाइड करा देंगे। अब ये गैस इसके अंदर ऐसे देखिएगा, यहाँ पर इसके अंदर हमने क्या कर दिया है, गैस भर दिया है। अब कौन सी गैस भरेंगे, ये भी एक सवाल होता है। अदर जगह पे हम लोग इनर्ट गैस के रूप में आर्गन या हीलियम का उपयोग कर लेते थे, लेकिन इस वेल्डिंग में फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग में हम मैक्सिमम केस में किस गैस का उपयोग करते हैं, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड का, सॉरी CO2 का उपयोग करते हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड का उपयोग करते हैं, या कार्बन डाई ऑक्साइड प्लस, देखिए हम इसमें किसका किसका उपयोग करते हैं, या CO2 प्लस हीलियम या CO2 प्लस ऑक्सीजन, इस तरीके से। या तो हम कार्बन डाई आर्गन, तो इस तरीके से हम इतने सारी शील्डिंग गैस का उपयोग करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम CO2 का उपयोग करते हैं। अब यहाँ से जब ये क्या होगा, सप्लाई ऑन करेंगे, सप्लाई ऑन का मतलब यहाँ पे हम एक रेगुलेटर लगाएंगे, जब रेगुलेटर ऑन करेंगे तो ये गैस हमारी इस तरीके से आएगी और इस चैम्बर में हमारी क्या हो जाएगी, ऐसे फिल करके इस तरीके से हमारी पूरे चारों तरफ इनर्ट कवर बनाएगी। तो ऐसी वेल्डिंग में देखिएगा हमारा क्या होता है, इनर्ट गैस का भी उपयोग हम कर रहे हैं, फ्लक्स का भी उपयोग कर रहे हैं, दोनों एक साथ उपयोग कर रहे हैं। तो इसमें मैक्सिमम एडवांटेज जो हमारा मिलता है, वो जो फिलर मटेरियल होता है ज़्यादा डिपॉजिट होता है और स्लैग फॉर्मेशन भी बनता है, तो वेल्ड बीड हमारी सेफ होती है, वेल्डिंग स्पीड हमारी हाई होती है और मैक्सिमम मेटल डिपॉजिशन हमारा होता है। तो चलिए ये हमारा होता है वर्क पीस। अब इसमें जो पावर सप्लाई देते हैं, इसको हमने अगर सपोज करिए DC इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव जब रखेंगे तो एक बार हमें DC SP का उपयोग करना होगा और या एक बार हम DC RP का उपयोग करेंगे, तो दोनों का उपयोग हम कर लेंगे। इस पूरे वेल्डिंग फिनोमिना को समझने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में इस इलेक्ट्रोड वायर के बारे में समझना होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड वायर की वजह से ही इस वेल्डिंग का फिनोमिना अदर वेल्डिंग की अपेक्षा क्या होता है, सबसे अलग होता है। देखिए बाकी की सारी वेल्डिंग में हम क्या करते थे, इस इलेक्ट्रोड का साइज हम लिमिटेड लेते थे, लगभग 450 mm लंबाई का लेते थे। इसमें हम क्या करते हैं, ये एक इलेक्ट्रोड वायर की तरह हमारा होता है ऐसा। अब ये क्या होगा, इस तरीके से जब हम देखेंगे तो ये आगे जाएगा और ऐसा एक रोलर होगा, उस रोलर में क्या करेगा, रोल हुआ होगा और रोलर इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रोड वायर होता है ये एक रोलर में बंद होता है। जब ये रोलर हम मूव कराते हैं तो ये लगातार कांस्टेंट फीड रेट देता रहता है। तो जो हम बार बार, अगर हमारा लिमिटेड साइज का इलेक्ट्रोड होगा तो जब एक वेल्डिंग ख़त्म होगी तो हम इलेक्ट्रोड को चेंज करके दूसरा इलेक्ट्रोड लाएंगे। तो इस तरीके से बार बार इलेक्ट्रोड चेंज करने से हमारा वेल्डिंग टाइम भी बढ़ जाता है
और वो वेल्डिंग की स्ट्रेंथ भी प्रॉपर नहीं मिल पाती है। जब हमने वेल्डिंग कंप्लीट करके क्या करेंगे, दूसरा इलेक्ट्रोड लगाएंगे, तो जब तक इलेक्ट्रोड चेंज करेंगे तब तक हो सकता है वहाँ का मेटल सॉलिडिफाई हो चुका हो, तो इस तरीके से वहाँ पर लेयर आ सकती है, क्रैक्स आ सकते हैं। तो वो चीज़ अवॉइड करने के लिए हम एक इस तरीके का इलेक्ट्रोड वायर बनाते हैं। अब इस इलेक्ट्रोड वायर को बनाने के लिए जो फिनोमिना उपयोग किया जाता है, चलिए उसको हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोड वायर हम कैसे बनाते हैं। इलेक्ट्रोड वायर हम बनाते हैं ट्यूबुलर, ये हमारा होता है ट्यूबुलर टाइप इलेक्ट्रोड वायर। अब ये जो ट्यूबुलर टाइप इलेक्ट्रोड वायर होता है, देखिए वो हमारा किस तरीके से बनाया जाता है, चलिए उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक हम कंटेनर लेते हैं, ऐसा एक हम पहले ऐसा करेंगे, मान लीजिए कि इधर हम एक ले लेते हैं, ऐसी वायर ले लेते हैं, पहले यहीं से बनाना शुरू करते हैं। इस तरीके से एक हम रिंग ले लेते हैं और देखिए एक सर्कुलर मान लीजिए ये रिंग होती है और इस तरीके से होती है। अब इसमें क्या होता है, मतलब आप इसे ऐसा समझिए, ये ऐसा होता है, ये कुछ ऐसा होता है। अब इसमें क्या होगा, ये ऐसा वायर हमारा जाएगा, देखिए इस तरीके से यहाँ से ये वायर जाएगा और यहाँ से इस वायर की हमारी थिकनेस ऐसी बढ़ने लगेगी। ऐसी बढ़ने लगेगी और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रोलर लगा देंगे, ऐसा एक रोलर, दो रोलर, और ये रोलर हमारे कैसे होते हैं, यू टाइप के होते हैं। यू टाइप का मतलब कुछ इस तरीके के रोलर हमारे होते हैं, ऐसा जब आप इसको देखेंगे तो ये रोलर हमारे कुछ इस तरीके से होते हैं, है ना, ऐसे होते हैं। ऐसे होने का मतलब जब ये ऐसा रोल करेगा, देखिए आप ऐसा देखिए, रोलर हमारे कुछ इस तरीके से होते हैं, जब ये रोलर हमारे इस तरीके से रोल करेंगे तो ये जो प्लेट है इस हिस्से में हमारी फंसेगी और ये इसको क्या करेगा, दबाएंगे, सभी रोलर्स हमारे इसको ऐसे रोल करेंगे इस तरीके से। अब ये इसको दबाएगा, दबाएगा तो ये क्या होगा, प्लेट कंप्रेस होगी, कंप्रेस होगी तो एक दूसरे के नज़दीक आएगी। और उसके बाद यहाँ पर एक और रोलर लगाते हैं, ऐसा देखिए यहाँ पर इस तरीके से रोलर लगाते हैं। अब इसमें क्या होगा, देखिए इसमें समझिए क्या होगा, जब ये ऐसे दब रहा होगा तो हम यहाँ पर एक कंटेनर का उपयोग करेंगे और वो कंटेनर हम ऐसा देखिए इस तरीके से एक कंटेनर का उपयोग हम करेंगे, ऐसा कंटेनर हमारा आएगा और इस कंटेनर में हम क्या करेंगे, लिक्विड को फिल करेंगे। इस तरीके से हम इस कंटेनर में लिक्विड को फिल करेंगे, ऐसा। अब ये हमारा क्या होगा, ये वर्टिकल होगा और इसके अंदर हम ऐसे फ्लक्स को फिल कर देंगे, ये जो हम फिल करेंगे इसके अंदर ये हमारा होगा फ्लक्स होगा। अब ये क्या होगा, देखिए थोड़ा सा और आगे इसको डायग्राम को आगे बढ़ाते हैं, ये दोनों प्लेटें ऐसे आगे आएंगी और यहाँ पर इस तरीके से ऐसे इस पे हमारी कनेक्ट हो जाएंगी। अब ये रोलर हमारा होगा और इस रोलर में ऐसे देखिएगा, ये प्लेटें इस रोलर में, ये जो वायर हमारा होगा, ये प्लेट हमारी होगी ऐसे इस पे लिपटी होगी, है ना, ये जो प्लेट हमारी होगी इस पे ऐसे लिपटी होगी, ये रेक्टेंगुलर प्लेट होती है इस तरीके से, ऐसे ये रेक्टेंगुलर प्लेट होती है और इस तरीके से
ये हमारे रोलर होते हैं ऐसे, और इन रोलर में हमारी ये क्या होती है इस तरीके से, ये लिफ्टी होती है। जब ये रोलर मूव करेंगे तो ये बाहर आएगी, अपोजिट मूव करेंगे तो इस पर क्या हो जाएगी, लिपट जाएगी। तो अब क्या करेगा, देखिए ये यहाँ से प्लेट ऐसे बाहर होकर इस डायरेक्शन में ऐसे आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। फिर जब ये प्लेट आगे बढ़ेगी तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं फोल्डिंग रोलर। देखिए ये हमारे होते हैं फोल्डिंग रोलर। अब ये रोलर इसको फोल्ड करने लगते हैं, मतलब क्या होता है, किसी प्लेट को ऐसे करने लगते हैं। अब जब ऐसे कर लिए तो हल्का सा देखिए टेपर हो गया, नाली के आकार का हो गया, तो उस समय हम उसमें कोई भी मेटल डालेंगे तो वो क्या करेगा, बाहर नहीं गिरेगा। तो जब ये रोलर इसको फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पर हम फ्लक्स रखे रहते हैं, और इस फ्लक्स को हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। जब फ्लक्स को डाल देंगे तो ये वाला रोलर इसको क्या करेगा, पैक कर देगा, ये वाला रोलर इसे पैक कर देगा। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं पैकेज रोलर, पैकिंग रोलर। अब ये रोलर इसको पैक कर देगा, तो इसके अंदर जब आप ऐसे देखेंगे, ऐसे ट्यूब देखेंगे, फिर ये इस तरीके का एक ट्यूब बन जाएगा। ये जो प्लेट हमारी रेक्टेंगुलर थी ऐसी ट्यूब बन जाएगी, और इसके अंदर ट्यूब के अंदर इस तरीके से हमारे क्या हो जाएंगे, फ्लक्स फिल हो जाएंगे। जब फ्लक्स फिल हो जाएंगे तो इसी ट्यूब को हम बोलते हैं ट्यूबुलर टाइप इलेक्ट्रोड, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलर टाइप इलेक्ट्रोड। तो चलिए अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं ट्यूबुलर टाइप इलेक्ट्रोड में। देखिए इसको देख लीजिएगा, अब इसी की वजह से, इस ट्यूबुलर टाइप इलेक्ट्रोड की वजह से इस वेल्डिंग का दूसरा नाम होता है, चलिए इसको हम लोग पॉइंट वाइज नोट करते हैं, ट्यूबुलर टाइप इलेक्ट्रोड की वजह से इस वेल्डिंग का जो नेम होता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलर वेल्डिंग या ट्यूबुलर फ्लक्स वेल्डिंग। ट्यूबुलर फ्लक्स वेल्डिंग ये इसका दूसरा नाम होता है। अब इसमें देखिए जो ये फ्लक्स हमारा आया इसके अंदर, देखिए फ्लक्स वायर होता है, अंदर हॉलो में फ्लक्स भरे होते हैं, जब वो यहाँ पे यूज किया जाता है तो ये पहले यहाँ पे आया और ऐसे इस पर लिपट गया, ये पूरा ऐसे लिपट गया, फिर इसी रोलर को उठा के हम यहाँ पे लगा देते हैं। जब यहाँ पे हमने लगा दिया तो अब ये रोलर उल्टा घूमेगा तो वो वायर ऐसे आगे की ओर बढ़ेगा, तो लगातार कॉन्स्टेंट फीडिंग हमारी होती रहेगी। इसीलिए सबसे ज़्यादा वेल्डिंग इफेक्ट, सबसे ज़्यादा वेल्डेबिलिटी ये हमारा फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग देता है। तो चलिए अब इसके हम लोग पॉइंट वाइज एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यह वेल्डिंग हमारा, इट इज, यह वेल्डिंग हमारा देखिए एफ सी ए डब्ल्यू इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एम आई जी और एस एम ए डब्ल्यू। यह फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग हमारा मॉडिफाइड वर्जन है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग या शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग का, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग का। अब इसमें क्या होगा, यह कब हमारी आई थी, इट इज यूजिंग स्टार्ट एट 1950, यह लगभग 1950 के अप्रॉक्स स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा, जब हम इस वेल्डिंग को स्टार्ट करते हैं तो जो इसमें आर्क हमारी प्रोड्यूस होती है, आर्क का मतलब जो यहाँ पे कोलिशंस बनता है वो किसके किसकी वजह से बनता है, इस देखिए जब हम इस फ्लक्स को आगे बढ़ाते हैं फिर यहाँ पावर सप्लाई देते हैं तो यहाँ ड्यू टू रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पे क्या होता है, ये
मेल्टिंग होने लगता है, मेल्टिंग होता है, इलेक्ट्रोड भी मेल्टिंग होता है, फ्लक्स भी मेल्टिंग होता है, तो इस तरीके से यहाँ पे एक कोलिसेंस प्रोड्यूस होता है। तो हम इसमें इसका एक बढ़िया सा डिफिनेशन लिख सकते हैं कि इन एफ सी ए डब्ल्यू कोलिसेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय। अब जो कोलेसेंस हमारा प्रोड्यूस होगा, कोलेसेंस मतलब क्या होता है, जो बर्निंग के बाद एक पूल ऑफ मोल्टेन मेटल होता है उसी को हम बोलते हैं कोलेसेंस। का मतलब होता है पूल ऑफ मोल्टेन मेटल। तो कोलेसेंस जो हमारा प्रोड्यूस होता है बाय प्रोवाइडिंग द कांस्टेंट फीड रेट ऑफ ट्यूबुलर वायर, बाय प्रोवाइडिंग कांस्टेंट फीड रेट ऑफ ट्यूबुलर रॉड कह सकते हैं। अब ये ट्यूबुलर जो रॉड होता है ये सॉलिड भी हो सकता है और हॉलो भी हो सकता है। ट्यूबुलर रॉड एंड ये जो ट्यूबुलर रॉड आ रही है एंड फ्लक्स, तो इस तरीके से हमारा कोलिसेंस इसके बीच में प्रोड्यूस होता है। अब जो शील्डिंग गैस का उपयोग करते हैं वो कौन सी गैस का उपयोग करते हैं हम, तो इसमें हम शील्डिंग गैस के रूप में CO2 का उपयोग करते हैं। तो CO2 गैस आर यूज्ड एज ए शील्डिंग। अच्छा आप समझिए, क्या यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि हम बिना शील्डिंग गैस के भी इस बिल्डिंग को कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, विदाउट शील्डिंग के भी हम इस बिल्डिंग को कर सकते हैं। उस समय क्या होगा, जब शील्डिंग नहीं होगी तो हमारा क्या होगा, ये लोअर टेम्परेचर जनरेट करेगा, मतलब एटमॉस्फेरिक इफेक्ट आएगा, इसकी आर्क को क्या करेगा, डिफेक्ट करेगा, तो इस वजह से। और जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आएगा यहाँ पर आयरन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा, तो इस तरीके से वेल्ड बीट की स्ट्रेंथ भी हमारी कम हो जाएगी। हालांकि ये स्लैग हमारा बन रहा है लेकिन फिर भी इसको और प्रोटेक्टिव बनाने के लिए हम शील्डेड गैस का उपयोग करते हैं। लेकिन ये शील्डेड गैस हमारी क्या होती है, ऑप्शनल होती है, हम करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। तो हम लिख सकते हैं शील्डिंग गैस आर, देखें यहाँ पर देखिए, शील्डिंग गैस यूज एज ए ऑप्शनल गैस, मतलब हम इसका उपयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जो पावर सप्लाई हम लोग देते हैं, पावर सप्लाई हम लोग AC देते हैं कि DC देते हैं, तो हम लोग मेनली क्या करते हैं, DC पावर सप्लाई देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमें कॉन्स्टेंट फीड रेट देना है तो यहाँ पर आर्क भी हमारी कॉन्स्टेंट बनी रहनी चाहिए, जिससे मैक्सिमम मटेरियल हमारा क्या हो, यहाँ मेल्ट हो और डिपॉजिट हो। तो ज़्यादा डिपॉजिशन रेट बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट करंट का उपयोग करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा DCRP आर यूज, इतना पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, अब इसका उपयोग नहीं है। ये हमारा था ट्यूबुलर टाइप इलेक्ट्रोड, बस ये जान लीजिएगा ट्यूबुलर टाइप इलेक्ट्रोड जो हमारा बनता है वो इसी प्रोसेस से बनता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें पावर सप्लाई, ऐसे देखिए पावर सप्लाई DCR यूज मैक्सिमम के केस में हम क्या करते हैं, DCR यूज, बट DC में भी हम लोग क्या करते हैं, DCRP या DCSPR यूज, बट इन DC पावर
DCRP, DCSP and DCRP are used. DCSP का मतलब डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलारिटी और DCRP का मतलब डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलारिटी। अच्छा, इसी का एक दूसरा नाम भी होता है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। सारी चीज़ें आपको बताते चल रहे हैं कि हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले DCEP अगर आपको दे दें तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि DCEP कोई नया हमारा हो जाएगा क्या, ये कुछ नहीं होता है। DCEP का पूरा नाम यहाँ देख लीजिए, ये होता है डायरेक्ट करंट। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रेट पोलारिटी की जगह इलेक्ट्रोड पोलारिटी कर दे रहा है, इलेक्ट्रोड पोलारिटी। तो इस तरीके से अगर DCEP दे दें तो इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये वही केस रहेगा जब इलेक्ट्रोड हमारा नेगेटिव रहेगा, वर्क पीस पॉजिटिव रहेगा, मतलब हाई डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन मिलने वाला है, लेकिन फीड डिपोजिशन हमारा कैसा मिलेगा, लो मिलेगा। तो जब लो फीड डिपोजिशन मिलेगा, देखिए अगर हम इलेक्ट्रोड को निगेटिव कर दें, वर्क पीस को पॉजिटिव कर दें, तो हमारा क्या होगा, पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा, दो तिहाई हीट हमारी वर्क पीस में जनरेट होगी, एक तिहाई हीट हमारी इलेक्ट्रोड पे जनरेट होगी, 1/3 इलेक्ट्रोड पे, 2/3 वर्क पीस पे। तो इस तरीके से क्या होगा, इलेक्ट्रोड ज़्यादा रेट से कंज्यूम नहीं होगा, तो जब ज़्यादा इलेक्ट्रोड कंज्यूम नहीं होगा तो यहाँ डिपोजिशन भी कम होगा, डिपोजिशन कम होगा तो इसके अंदर जो हमारा ये भरा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, फ्लक्स, यही काफ़ी है इस मटेरियल को सेफ्टी रखने के लिए, तो उस समय हम शील्डिंग का उपयोग नहीं करते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब नेगेटिव हो, यानी DCRP में, देखिए इन DCRP, ऐसे देखिए इन DCSP, जब स्ट्रेट पोलारिटी हो तो हमारा क्या होगा, शील्डिंग आर नॉट यूज्ड, जब हम शील्डिंग का उपयोग नहीं करते हैं तो ऐसी वेल्डिंग को, दैट टाइप ऑफ वेल्डिंग आर कॉल्ड सेल्फ शील्डिंग, मतलब ये खुद हमारा शील्ड बनाता है किसके थ्रू, फ्लक्स के थ्रू, आर कॉल्ड सेल्फ शील्डिंग। तो इस तरीके से ये हो गया। दूसरे केस में जब इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव कर दें और वर्क पीस को निगेटिव कर दें तो इलेक्ट्रॉन हमारे जंप करके इस इलेक्ट्रोड पे आने लगेंगे, उस समय दो तिहाई हीट इलेक्ट्रोड पर जनरेट होगी और 1/3 हीट वर्क पीस पर जनरेट होगी, इलेक्ट्रोड ज़्यादा मेल्ट होगा और डिपोजिशन रेट ज़्यादा होगा। तो हमें क्या करना है, मेल्ट मोल्टेन मेटर और वेल्ड बीट को सेफ्टी देने के लिए हम गैस का उपयोग करेंगे, शील्डिंग गैस का उपयोग करेंगे। तो सेकेंड केस हम कह सकते हैं, ऐसे देखिएगा इन DCSP डायरेक्ट करंट स्टेट पोलारिटी, इन DCSP हम क्या करेंगे, शील्डिंग गैस आर यूज, शील्डिंग गैस आर यूज, शील्डिंग गैस का उपयोग जब हम लोग करते हैं तो इस वेल्डिंग को हम लोग कहते हैं गैस शील्डेड वेल्डिंग, देन दिस इज कॉल्ड गैस शील्डेड वेल्डिंग। तो इस तरीके से ये हमारी कहलाती है गैस शील्डेड वेल्डिंग। अब इसमें देखिएगा, ये तो हमारा हो गया शील्डिंग गैस और इलेक्ट्रोड के बारे में। ये जो इलेक्ट्रोड वायर होता है ये इसमें एक रोलर में हमारा लगा होता है और कांस्टेंट स्पीड से हमारा क्या करता है, फीड देता रहता है, है ना। इलेक्ट्रोड वायर आर इलेक्ट्रोड वायर आर
folded, fold in, अभी हमारा किस में fold हुआ होगा, एक हमारी पुली की तरह का एक shape होगा, उसमें हमारा ये fold हुआ होगा, fold in a circular plate, सर्कुलर प्लेट में हमारा ये फोल्ड हुआ होगा, सो कांस्टेंट फीडिंग आर प्रोवाइड, इसलिए हम क्या करते हैं कांस्टेंट फीडिंग देते हैं। जब ये वायर हमारा यहाँ लिपटा होगा तो हम इससे क्या करेंगे कांस्टेंट फीडिंग देते रहेंगे, जिससे लगातार ये मेटल हमारा डिपॉजिट होता रहेगा। तो इस तरीके से इतना पॉइंट को नोट करिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पे जो वोल्टेज और करंट का उपयोग करते हैं, तो वोल्टेज लगभग हम इसमें 110 वोल्ट के आसपास यूज करते हैं। वोल्टेज टेन वोल्ट आर यूज, 110 के आसपास हम इसका वोल्टेज उपयोग करते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं इसमें कुल कितने इक्विपमेंट लगे होते हैं, कितने इक्विपमेंट लगे होते हैं, क्योंकि यह सबसे सूटेबल वेल्डिंग होती है थिक प्लेट की वेल्डिंग करने के लिए, है ना, सबसे ज़्यादा सूटेबल होती हैं। चलिए इस पर हम इक्विपमेंट के बारे में देख लेते हैं। देखिए अगर हम इक्विपमेंट की बात करें तो सबसे पहले ये जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है इसको होल्ड करने के लिए एक हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर उपयोग किया जाता है। अब वो इलेक्ट्रोड होल्डर हमारा टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप हमारा होगा, अगर डीसी एसपी का उपयोग करेंगे तो शील्डिंग गैस का उपयोग नहीं करेंगे, उस समय जो इलेक्ट्रोड का हमारा जो इलेक्ट्रोड होल्डर का जो गन होगा या जो टिप होगा वहाँ पर शील्डिंग के लिए कोई भी वायर नहीं जाएगा, कोई भी ट्यूब नहीं जाएगी। सेकेंड टाइप हम ऐसा यूज करेंगे जिसमें हमारा क्या होगा, ये शील्डिंग गैस के लिए भी एक पाइप जाएगी और हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर भी वहीं पर लगा होगा। तो इसलिए दो तरीके का हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोड होल्डर उपयोग करते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं, वेल्डिंग इक्विपमेंट में सबसे फर्स्ट अगर हम लोग बात करें तो देखें इलेक्ट्रोड होल्डर आर यूज्ड, इलेक्ट्रोड होल्डर का उपयोग हम करते हैं। और ये होल्डर हमारा किस तरीके का होता है, इलेक्ट्रोड होल्डर हमारा टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट हमारा कैसा होगा, जब केबल व्हेन डीसी एसपी आर यूज, जब डीसी एसपी यूज होगा तो हमारा क्या होगा, विदाउट शील्डिंग गैस इलेक्ट्रोड होल्डर आर यूज्ड, विदाउट शील्डिंग गैस होल्डर आर यूज,
दूसरा हमारा क्या होगा, जब शील्डिंग गैस का उपयोग करेंगे, मतलब व्हेन डीसीआरपी यूज, तो हमारा जो इलेक्ट्रोड होल्डर होगा उसी में इंटरनल ट्यूब लग जाएंगी, जिससे हमारा क्या होगा, गैस भी उसी के थ्रू आके, देखिए ये पूरा सिस्टम ऐसा बना रहेगा, इलेक्ट्रोड होल्डर इसी के ऊपर आकर फिट हो जाएगा। इस तरीके से शील्डिंग हमारी, अच्छा देखिए अगर ये अपने हायर टेम्परेचर पर पहुंच जाता है, मान लीजिए अभी हमने शील्डिंग की ही बात कर दी, तो ये सपोज करिए कि हाई टेम्परेचर जनरेट होगा, वैसे आर्क वेल्डिंग में 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हमारा जनरेट होता है, 7000 भी कहीं कहीं जनरेट होता है, फिर भी ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर इतना टेम्परेचर जनरेट होता है तो उस टेम्परेचर से ये हमारा क्या होता है, जो गैस शील्डिंग है ये भी हमारी गर्म होती है, तो इसको हम क्या करते हैं, कूल्ड रखने के लिए बाहर एक जैकेट इस तरीके का बना देते हैं, और इस जैकेट में हम क्या करते हैं, वाटर का यूज करते हैं, ये हमारा होता है वाटर जैकेट, तो इस तरीके से हमारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा था, व्हेन डीसीआरपी आर यूज्ड देन शील्डिंग गैस पाइप आर फिटेड इन, शील्डिंग गैस पाइप आर फिटेड इन इलेक्ट्रोड होल्डर, इलेक्ट्रोड होल्डर, और जब हम शील्डिंग गैस का उपयोग करेंगे तो उस शील्डिंग कवर को कूल करने के लिए वाटर जैकेट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर हम लिखेंगे टू प्रोवाइड कूलिंग ऑफ शील्डिंग जैकेट को हम कूल करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, वाटर आर यूज्ड एज ए कूलेंट, तो इस तरीके से हम वाटर का उपयोग करते हैं एज ए कूलेंट के रूप में। अब अगला इक्विपमेंट, पहला तो हमारा हो गया इलेक्ट्रोड होल्डर, नेक्स्ट इक्विपमेंट हमारा होता है कंट्रोल मोटर। कंट्रोल्ड मोटर का मतलब क्या होता है, देखिए अब अगर इसकी स्पीड को ज़्यादा करना है कम करना है ना, तो इस तरीके से इस पाइप के रेगुलेटर के गैस को भी यहाँ पे कंट्रोल करता है, इसके फीडिंग वायर को भी कंट्रोल करता है, और इस वेल्डिंग की स्पीड, अगर हमारी इस डायरेक्शन में वेल्डिंग हो रही है तो इस वेल्डिंग की स्पीड को भी कंट्रोल करता है। इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए एक बाहर हमारा इक्विपमेंट लगा होता है, मशीन लगी होती है, उसे हम लोग बोलते हैं कंट्रोल मोटर। चलिए नेक्स्ट इक्विपमेंट हमारा होता है हम कंट्रोल मोटर का उपयोग करते हैं टू कंट्रोल द, किस किस चीज को कंट्रोल करने के लिए, वेल्डिंग स्पीड, टू कंट्रोल द वेल्डिंग स्पीड कॉमा पावर फीड रोल्स, एंड कंट्रोल द फीड इलेक्ट्रोड फीड वायर, एंड कंट्रोल द इलेक्ट्रोड फीड वायर, इस तरीके से ये हमारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है, कंट्रोल मोटर का उपयोग करते हैं। अब इसके बाद अगला पॉइंट जो हमारा होता है वो गन हाउस ट्रिगर का उपयोग करते हैं, गन हाउस ट्रिगर, गन हाउस ट्रिगर
आर यूज। ये गन हाउस ट्रिगर क्या होता है, देखिए जब यहाँ से हमारा ये फीड रॉड आ रहा है और यहाँ से हमारा इनर्ट गैस जा रही है, इन दोनों को क्या करेगा, मिक्स करेगा और उनके फ्लो को कंट्रोल करेगा। जिस जगह उनकी मिक्सिंग और होता है वहाँ पे उसी को हम बोलते हैं गन हाउस ट्रिगर। तो ये हमारा हो गया गन हाउस ट्रिगर आर यूज टू इनिशिएट एंड स्टॉप द टू इनिशिएट एंड स्टॉप द फीड एंड फ्लो ऑफ गैसेस कॉमा इलेक्ट्रिक करंट गैसेस कॉमा इलेक्ट्रिक करंट एंड फीड रॉड एंड इलेक्ट्रोड वायर। इस तरीके से नेक्स्ट हमारा क्या होता है, गन हाउस ट्रिगर का उपयोग हम करते हैं किसका किसका उपयोग करने के लिए, इसके मिक्सिंग के लिए, इसके फ्लो के कंट्रोल करने के लिए और किसके मतलब इनर्ट गैस की मिक्सिंग और इनर्ट गैस के फ्लो के लिए उपयोग करते हैं। आप इसमें देखिएगा, जैसे सपोज करिए ये हमारी वेल्डिंग ऑटोमेटिक हो रही है, हम ये गैस शील्डिंग को भी ऑटोमेटिक छोड़ दिए हैं, तो इस तरीके से वर्कपीस की फीडिंग को लगातार देते रहेंगे या वर्कपीस को भी हम इस पर क्या कर दिए हैं, इस किसी बेड पर स्टॉप कर दिए हैं, तो इस तरीके से हम देखेंगे तो ये ऐसा वर्कपीस होगा जो लगभग लगभग हमें कैसा दिखाई देगा, ऑटोमेटिक दिखाई देगा। ये ऐसी वेल्डिंग हमारी दिखाई देगी जो लगभग आपको ऑटोमेटिक दिखाई देगी, इसीलिए इस वेल्डिंग को हम, लेकिन पूरी ऑटोमेटिक नहीं होगी क्योंकि पहले हम इनिशियल सेटअप को सेट करेंगे, उसके बाद ये वेल्डिंग हमारी स्टार्ट होगी, तो इसे हम बोलते हैं सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस। तो इस तरीके से ये वेल्डिंग हमारी कहलाती है सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस। अच्छा, सेमी ऑटोमेटिक के बाद अगर हम कुछ स्पेशल फिक्स्चर को माउंट कर दें, जैसे कुछ स्पेशल जिग और फिक्स्चर्स का उपयोग अगर हम कर दें, तो उस समय ये वेल्डिंग हमारी क्या हो जाएगी, पूरा फुली ऑटोमेटिक हो जाती है। तो फॉर फुली ऑटोमेटिक यूज्ड सम फिक्स्चर्स टू प्रोवाइड फुली ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ दिस वेल्डिंग। ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ दिस वेल्डिंग। तो इस तरीके से इस पॉइंट को भी आप नोट करिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अच्छा देखें इस वेल्डिंग का एडवांटेज क्या होता है, तो समझिए, जब हमने शील्डेड मेटल गैस के साथ लगातार कांस्टेंट फीडिंग वायर का उपयोग किया तो मैक्सिमम डिपोजिशन रेट हमारा यहाँ पे मिलता है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज इसका क्या ही है, यही है कि अदर वेल्डिंग के रिस्पेक्ट में इस पे मैक्सिमम डिपोजिशन रेट मिलता है और हाई वेल्डिंग स्पीड मिलती है। तो पहले हम इसके एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज हमारा होता है देखें, गिवेन हाई डिपोजिशन रेट, हाई डिपोजिशन रेट एंड अचीव देखिए इस स्मॉल डायमीटर के, ये जो हमारा वायर जा रहा है इसका डायमीटर हमारा लगभग क्या होगा, बहुत पतला होगा। पतला अगर ज़्यादा नहीं होगा तो ये इस पर हमारा क्या करेगा, रोलर में रोल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए स्मॉल डायमीटर के वायर से हम हाई डिपोजिशन रेट अचीव कर लेते हैं। दूसरी बात अगर हम करें तो इसमें देखिएगा, जब इसके वेल्डिंग डिपोजिशन की बात, स्पीड की बात करेंगे तो वेल्डिंग स्पीड भी हमारी क्या होगी, हाई होगी। वेल्डिंग स्पीड के साथ साथ अब अगर डिपोजिशन कंटेंट की बात करेंगे तो जो हमने शील्डेड मेटल वेल्डिंग में पढ़ा था या जो हमने सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में पढ़ा था उससे लगभग दो गुना डिपोजिशन रेट इसका होता है, टू टाइम हाई डिपोजिशन रेट होता है। तो इसको भी नोट कर लेते हैं, दिस वेल्डिंग टू टाइम्स मोर डिपोजिशन रेट देन मोर डिपोजिशन रेट देन अदर वेल्डिंग प्रोसेस लाइक SMAW शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग या लाइक MIG। तो इस तरीके से ये हमारा होता है। अब इसमें देखिएगा, शील्डिंग गैस जो हम यूज करते हैं, बिना शील्डिंग गैस के भी हम इसको वेल्डिंग कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं सेल्फ शील्डिंग। तो सेल्फ शील्डिंग कैन ऑल्सो प्रोवाइडेड, और सबसे ज़्यादा अच्छा एडवांटेज ये होता है कि इसका जो इलेक्ट्रोड गन होती है वो देखिए, जब वायर हमारा पतला होगा और ये थोड़ी सी छोटी हाउसिंग होगी तो गैस सिलेंडर पाइप के साथ छोटी सी हाउसिंग बना देंगे और पतले वायर को पकड़ने के लिए स्मॉल और लाइट वेटेड गन का उपयोग करते हैं। तो जो हमारा वेल्डर उपयोग करता है उसके लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। तो इसका पहला, इसके एडवांटेज और हम लिख लेते हैं। देखिए इसका एडवांटेज हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल एंड लाइट वेटेड लाइट वेट वेल्डिंग गन आर यूज्ड। ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा, ये हम बोलते हैं अगर शील्डिंग गैस का उपयोग नहीं करेंगे तो इसे हम लोग बोलते हैं सेल्फ शील्डिंग वेल्डिंग आर यूज्ड। इस तरीके से सेल्फ शील्डिंग होती है। अब उसके बाद हम बात करेंगे, अगर मोटे थिकनेस मतलब ज़्यादा मोटे वर्कपीस की वेल्डिंग करनी हो, हाई थिकनेस वर्कपीस की वेल्डिंग करनी हो
तो ये हमारा क्या होगा, सुटेबल होगा, क्योंकि डिपोजिशन रेट भी हमारा ज़्यादा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं सुटेबल फॉर suitable for wide range of metal thickness. इस तरीके से ज़्यादा मोटे metal thickness की building को हम आसानी से कर सकते हैं. तो ये था हमारा कुछ important point किससे related, फ्लक्स कोड वेल्डिंग से रिलेटेड हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट एडवांटेज में था. अब अगर हमें इससे रिलेटेड डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो देखिए डिसएडवांटेज हमारा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, पतली प्लेट की वेल्डिंग हम इससे नहीं कर सकते हैं, नॉन कंडक्टिव वर्क पीस की वेल्डिंग हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि करंट हमारी पास करानी है. तीसरा हमारा क्या होगा, ये जो फीड वायर जा रहा है मैकेनिकली रोलर से मूव कर रहा है, जरा सा भी इस रोलर की स्पीड कम या ज़्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, इसका फीडिंग गड़बड़ हो जाएगा. तो कांस्टेंट फीडिंग में भी एक रिस्क है. तो इस तरीके से ये इसका डिसएडवांटेज है. डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, पहला डिसएडवांटेज हमारा क्या हो जाएगा, देखें स्मॉल थिकनेस प्लेट कैन नॉट बी बिल्ड. नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेज हो जाएगा इसमें देखिएगा, कॉन्स्टेंट ड्यू टू मैकेनिकली प्रोसेस कॉन्स्टेंट फीडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड वायर आर नॉट प्रोड्यूस. इस तरीके से ये हमारा होगा कांस्टेंट फीडिंग नहीं प्रोड्यूस कराएगा और इसकी क्या होगा, हाई इनिशियल कास्ट भी होगी, प्रारंभिक लागत भी ज़्यादा होगी और इसे एक कुशल कारीगर ही ऑपरेट कर पाएगा. हाई इनिशियल कॉस्ट एंड ऑपरेट हाई इनिशियल कॉस्ट एंड ऑपरेट कैसा हमारा ट्रेंड लेबर या जिसे को हम कहते हैं स्किल्ड लेबर, हाई एक्यूरेट और स्किल्ड लेबर आर रिक्वायर्ड. आप इसमें देखिएगा इस तरीके से इसके हमारे डिसएडवांटेज हो जाएंगे और नॉन कंडक्टिव वर्क पीस को भी हम नहीं वेल्ड कर पाएंगे. तो ये भी लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नॉन इलेक्ट्रिक कंडक्टिव वर्कपीस कैन नॉट बी बिल्ड. बाय दिस प्रोसेस तो इस तरीके से इस वेल्डिंग का हमारा इतना डिसएडवांटेज हो गया. अब इसके एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, अब
एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं तो एप्लीकेशन हमारा मीडियम कार्बन, लो कार्बन और हाई स्ट्रेंथ स्टील के लिए ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। यूज फॉर वेल्डिंग, यूज फॉर वेल्डिंग मीडियम कार्बन स्टील जिसमें कार्बन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा हो एंड लो एलॉय स्टील कॉमा लो एलॉय एंड हाई स्ट्रेंथ स्टील, हाई स्ट्रेंथ स्टील आर यूज। इस तरीके से ये हमारा हो गया। दूसरी बात हम लोग करेंगे, जब इसमें देखिएगा हम CO2 का उपयोग करेंगे तो उस समय मैक्सिमम कितना प्लेट की वेल्डिंग हम कर सकते हैं, और जब CO2 का उपयोग नहीं करेंगे तो हम कितने प्लेट की वेल्डिंग का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही था कि CO2 को हम एज ए शील्डिंग गैस के रूप में उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर CO2 का उपयोग नहीं करेंगे तब ये पतली प्लेट की वेल्डिंग के लिए ही सूटेबल होगी और लगभग ये 6 mm तक की मोटी प्लेट को आसानी से वेल्ड कर पाएगी, और जब CO2 का उपयोग कर लेंगे तब ये 25 mm, 50 mm, 100 mm तक की वेल्डिंग को आसानी से अचीव कर पाएगी। विदाउट CO2, ऐसे देखिएगा, वेन CO2 आर नॉट यूज्ड when CO2 आर, अगर CO2 का उपयोग नहीं करेंगे तो मतलब ये हमारी कौन सी वेल्डिंग होगी, DC SP डायरेक्ट करंट स्टेट पोलारिटी, देन 6 mm थिन प्लेट कैन बी वेल्ड। इस तरीके से, और जब CO2 का उपयोग करेंगे तो इससे ऊपर के सारे थिकनेस की वेल्डिंग को हम आसानी से अचीव कर पाएंगे, और एंड एबव 6 mm थिक प्लेट CO2 आर यूज एज ए शील्डिंग के रूप में हम CO2 का उपयोग करेंगे। अब इसके बाद एक होता है एज प्रेपरेशन, जैसे हमने आपको बताया था वर्कपीस में हम वेल्डिंग करने से पहले उसके एज का प्रेपरेशन करते हैं, तो एज प्रेपरेशन क्या इसमें रिक्वायर्ड होगा, तो अगर देखिए पतली प्लेट है और लगभग 1.5 mm से 13 mm तक अगर हमारी पतली प्लेट है तो उसमें एज प्रेपरेशन नहीं करते हैं, और उससे ऊपर अगर प्लेट थिकनेस है तो वो हमारा क्या होता है, एज प्रेपरेशन रिक्वायर्ड होता है। तो 1.6 mm भी होता है, 6 mm टू 13 mm प्लेट थिकनेस एज प्रिपरेशन आर नॉट रिक्वायर्ड, जिसे हम बोलते थे वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बेवलिंग। एज प्रिपरेशन आर नॉट रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होता है किसके बारे में, फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग। फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग हमने इसलिए कहा क्योंकि इसमें हम फ्लक्स के साथ कोड मेटल का उपयोग कर रहे हैं और आर्क वेल्डिंग हो रही है, तो इसीलिए इसका नाम हमने दिया फ्लक्स कोड आर्क
वेल्डिंग, ये सबसे ज़्यादा सूटेबल वेल्डिंग होती है और सबसे ज़्यादा यूजफुल होती है, क्योंकि इसका सारा एडवांटेज हमने अभी आपके सामने देखा। तो इसको नोट करिए, चलिए। तो अब देखिए, ये लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको थर्मिट वेल्डिंग के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू।